हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, मैं भी अब ठीक हूँ। तो चलिए, आज एक वीडियो लाया हूँ जो कि बहुत दिन से इस वीडियो के बारे में प्लानिंग कर रहा था कि आप लोगों को एक टिप्स देनी है अच्छी सी, जिससे कि आपको फैंटेसी में कभी भी लॉस होगा ही नहीं। खेलने का एक प्रॉपर तरीका, जिस तरीका से आपको लॉस कभी ना हो, ऑलवेज प्रॉफिट में रहो। ये सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, आपको लगेगा कि अपना वीडियो चलाने के लिए थोड़ा ड्रामेबाजी किया है, बट नहीं। जब आप पूरा कंसेप्ट सुनोगे, उसको अप्लाई करोगे, देखोगे चीज़ों को ना, तो लगेगा नहीं, ये बात बहुत ही सही है और फैंटेसी इसी तरीके से खेला जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 15 मिनट के अंदर ख़त्म करने का। बट इस 15 मिनट को आप लोग ढंग से सुन लेना और एक एक चीज़ को ध्यान से सुन लेना, एक बार, दो बार, जितनी बार सुनने का मन हो। एक बार सुन लोगे तो फिर आप दोबारा फिर सुनने आओगे, ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से भी एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, और उसके बाद से आप भूल जाओ कि आपका कभी लॉस होगा फैंटेसी में, हमेशा बेनिफिट में रहोगे। दूसरा चीज़ क्या बताऊँगा, बेस्ट एप्लीकेशन कहाँ पे आप खेलो और क्यों बेस्ट है वो, क्यों खेलो वहाँ, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका और खेलना कैसे वो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होगा। इससे पहले आपको बता दूं, आप सबसे पहले तो किसी एक ग्रुप पे ट्रस्ट करना सीखो। अलग अलग ग्रुप पे कूद के मत खेला करो कि चलो भाई इसका अभी खेल रहे हैं, ठीक है, इसका अभी लॉस हो गया इस ग्रुप का, तो चलो दूसरे ग्रुप पे चल गए। तो इसमें क्या होगा ना, आप दूसरे ग्रुप पे जाओगे, पता चलेगा उसका वो मैच लॉस हो गया, फिर लगेगा अरे यार फिर चलो उसी पे, फिर उस पे आओगे इसका ये लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है, किसी एक ग्रुप पे ट्रस्ट करके आराम से उसी के ग्रुप से खेलना है। ठीक है, और मेरे ग्रुप से अगर खेलना चाहते हो, ऐसे कितना ही बेकार बंदा हो, कितना ही बेकार ग्रुप हो, 10 में से एक दो टीम तो अच्छी दे ही देता है, ये तो आप देखते होंगे। अब बाई लक उसका हो जाए या फिर मेहनत से हो, हम लोगों का जो रेशियो है, 10 में से आपको 7-8 आपको एवरेज मिलेंगे। अगर अल्ट्रा की बात करें, मतलब अल्ट्रा क्लीन स्वीप, 10 में से 4 मिल जाएंगे आपको मेरे ग्रुप पे। और हम लोगों का यहाँ काम कब बनने वाला है पता है, 10 में से 2 भी अल्ट्रा मार दो ना, बहुत प्रॉफिट में रहोगे। कैसे रहोगे वही एक्सप्लेन करूँगा, 10 में से 1 भी अल्ट्रा मार दो ना, आपका लॉस नहीं होगा। चलिए, अब वीडियो को सुनने से पहले ये ध्यान में रखिए, पहले अपने आप को आप डिसाइड कीजिए कि आप स्मॉल इन्वेस्टर हो कि बिग इन्वेस्टर हो। और ये सारा कंसेप्ट सिर्फ 4 मेंबर पे अप्लाई होता है, आपको बस एक मैच में एक लेग खेलना है, बस एक 4 मेंबर खेलना है, उसके अलावा कुछ नहीं खेलना है। क्लैश होगा, वैसे केस में भी क्या करना है वो भी बताऊंगा। क्लैश से तो पहले कोशिश करना है क्लैश ना हो, इस तरह से खेलें, लीग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम कुछ चेंज कर लीजिए, कोई एक घंटे पहले कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैच के पहले, जब आपको पता चल जाए कि हाँ मैं इस ग्रुप को फॉलो करता हूँ, ये ग्रुप ये टीम देगा, आप ज्वाइन लीग करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए मैं मानता हूँ, स्मॉल इन्वेस्टर उसको जिसके हाथ में कम से कम 1200 रुपये हो और वहाँ से वो खेलना शुरू करे। तो स्टॉपर में यहाँ 1160 पे लगाऊंगा टोटल इन्वेस्टमेंट उसका। और बिग इन्वेस्टर के लिए कम से कम 5500 के आसपास आप रखिए। ठीक है, तो 5500 यहाँ पर स्टॉपर, और ये लास्ट वाला किसको खेलना है जैकपॉट वो भी बताऊंगा। तो चलिए, स्मॉल इन्वेस्टर को शुरू करते हैं, उसी से आगे बढ़ जाएंगे तो वो बिग इन्वेस्टर के लिए हो जाएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट मैच में 1900 रुपये लगाओ, आप जीतो या हारो कोई दिक्कत नहीं, अगर जीतते हो तो आपको नेट प्रॉफिट 47 रुपीज़ का होगा, अगर हारते हो तो आपका नुकसान 19 रुपये का होगा। अगर आप जीत जाते हो तो आपको नेक्स्ट मैच में लगाने के लिए 49 जो लगाना है नेक्स्ट मैच, वो पैसा आपको आ जाएगा। अगर आप हार जाते हो तब तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 68 रुपीज़ हो जाएगा, पिछला 19 और अभी का 49, 68 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर अगर सेकेंड मैच आप जीत जाते हो तो आप फर्स्ट हारे हो सेकेंड जीते हो, फिर भी आपको 102 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर दोनों जीते हो तो आप यहाँ इसको ऐड कर लेना, ये प्रॉफिट हो जाएगा। मैं ये बस हर स्टेप का बताया हूँ कि आप ऊपर का स्टेप लॉस होता गया, यहाँ पे आके जीत लो, मान लो कि आप इस स्टेप पे आके जीते तो आपको नेट प्रॉफिट जितना आप लगाए सारा हारे, बस इस स्टेप पे जीते, नेट प्रॉफिट आपको फिर भी 264 रुपये का होगा। मेरा इस टाइप का है, समझ में आ गया होगा चीज़, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपका कि चलो मैं पिछला जो भी लगाया सब हारता गया, इस हिसाब से मेरा वीडियो का कंसेप्ट रहेगा। तो चलिए, अब ध्यान से सुनिए, 1900 रुपये लगाए, हारे जीते कोई फर्क नहीं, माना आप हार गए कोई दिक्कत नहीं, आपका 1900 रुपये गया, नेक्स्ट मैच में 49 लगाओ, हार गए 68 रुपये लगा, फिर नेक्स्ट मैच में आप 89 का लगाओ, हार गए आपका टोटल 157 रुपीज़ गया, फिर आप नेक्स्ट मैच में 179 लगाओ, हार गए आपका 336 रुपये गया। अब बताता हूँ, 4 मैच कंटिन्यू हारे, 5वां हारे, 6ठा हारे, 6ठा आते आते 6 मैच तक में 1 मैच तो आप जीत ही जाओगे। अगर नहीं जीतते हो,
इस मंथ खेलना छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ खेलना, ये मंथ अब नहीं खेलना है फैंटेसी। 1100 रुपये है गया ना, 1200 है गया ना, ये समझ लो आप पॉकेट मनी से खेलो फैंटेसी। मैं हमेशा ये बात बोला हूँ। एक और वीडियो है जो कि मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा, उसको भी आप देखना, 40 मिनट की है। बस पॉकेट मनी से खेलना है फैंटेसी, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से कर्ज लेके उधार लेके खेल, नहीं। तो अगर आपका 6 मैच कंटिन्यू लॉस हो गया, स्मॉल इन्वेस्टर हो आप, आपका ख़त्म हो गया 1200 रुपये, छोड़ दो अब इस मंथ, नेक्स्ट मंथ। अब बताता हूँ, अब इस 6 में से आपका कहीं विन होता है, बाई चांस आपका इस स्टेज पर आके विन हो गया, तो आपका नेट प्रॉफिट 143 रुपीज़ का हो गया। आप स्मॉल इन्वेस्टर हो, अब आप सोच रहे हो कि मैं आगे रिस्क लूँ या ना लूँ, आगे 179 लगाना है, नेट प्रॉफिट 143 का ही हो गया है। तो अब आप देखो वहाँ से कि ग्रुप कैसा है, आपने जो लास्ट 2-3 मैच खेले हैं कितने पॉइंट डिफरेंस से हारे हो, थोड़े थोड़े से हारे हो क्या? अगर थोड़े थोड़े से हारे हो ना, तो आगे बढ़ो, रिस्क लो थोड़ा सा, और नहीं देख लो कि ग्रुप बेकार है, बहुत गंदे तरीके से हार रहा हूँ, तो आप जहाँ पे विन करो वहाँ से रिवर्स बैक फिर से आप स्टार्टिंग पे आ जाओ, फिर 19 पे आ जाओ, ठीक है? उसी लैप को आप फॉलो करो। तो आप जहाँ पे विन होगे, इस 3 पे विन हो रहे हो तो मत रुको, आगे बढ़ते जाओ। 4th पे विन हो रहे हो तो थोड़ा सा सोच लो कि आप फिर से शुरू करोगे या आगे बढ़ोगे, ठीक है? अगर फिर से शुरू करते हो तो फिर सेकेंड लैप में ना चलो लास्ट तक, फर्स्ट लैप आप पूरा कर लो, सेकेंड लैप में चलना लास्ट तक। ये चीज़ समझ में आ गया, ये स्मॉल इन्वेस्टर का हो गया। बिग इन्वेस्टर कहाँ पे जाकर रुकना, बिग इन्वेस्टर अगर 899, मैं सारा ये क्लियर कर देता हूँ, बिग इन्वेस्टर जो है अगर 899 पे आके विन हो जाते हो ना, तो आपको नेट प्रॉफिट 941 का हो जाएगा, ठीक है? आप एक बार और रिस्क लो, 1499 का खेलो, ठीक है? अगर यहाँ विन हो जाते हो, आपको 1442 का प्रॉफिट हो जाएगा, और पीछे इतने सारे लॉस मान के चल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पीछे सारा लॉस होगा, पीछे भी 1-2 आपका विन हो ही जाएगा, ठीक है? तो अब आप यहाँ अगर आके विन हो जाते हो 1499 वाला कंटेस्ट, तो इससे आगे मत बढ़ना, चल जाना पीछे। और अगर यहाँ विन नहीं होते हो तो उसके बाद आप आगे बढ़ना। मैं ये 1799 ऐड किया हूँ यहाँ पे, ये ऐसे केस में किया हूँ जब आपके पास 1499 के पास उपाय नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप 8000 तक नहीं जा सकते हो, आप 5.5 तक ही जा सकते हो, तो 1799 खेलना। और नहीं, अगर आप 8000 तक जा सकते हो तो 1799 को स्किप करना, सीधा 1499 के बाद 2999 वाला खेल लेना, ठीक है? क्योंकि अगर 1799 डालोगे, जीतोगे, फिर भी आपका 643 ही नेट प्रॉफिट होगा। हाँ, आपका पीछे का जितना लॉस हुआ सारा कवर करके 643 आप पॉजिटिव में रहोगे, ठीक है? और अगर हारोगे तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर जीत भी जाते हो तो आप उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं कमा पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ों को आप समझ गए होगे, इस पैटर्न में ही आपको फैंटेसी खेलना है, ठीक है? और अगर बिग इन्वेस्टर 899 जैसे विन करते हो, तो मेरा मानना यही रहेगा कि फिर से आप लैप स्टार्ट कर दो। ये लैप आप फॉलो करो कम से कम 1-2 महीने तक, कंटिन्यू करते जाओ। 1-2 महीने बाद क्या रिजल्ट आता है वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में आके, ठीक है? वीडियो सर्च कर लेना, मेरे कमेंट में आके बता देना, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, ठीक है? तो ये मैं बस 4 मेंबर के लिए बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर सभी को ले के कैसे खेलना है मैं वो बताऊंगा, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये इन्वेस्टमेंट टिप्स बता दिया, अब बताता हूँ बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा और क्यों है। ये सारा जो भी मैं लिखा हूँ कंटेस्ट, 19 रुपये का, 49 का, 89 का, और बगल में जो ब्रैकेट में वो उसके विनिंग प्राइस है कि उस कंटेस्ट का कितना विनिंग प्राइस है, ये सब आप जानते होंगे। ड्रीम 11 पर जो भी खेल रहे हो सब जानते होंगे इस चीज़ को। तो चलो 1-2 एग्जांपल यहां से उठाते हैं, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे। 2 एग्जांपल उठा लेते हैं कोई भी, चलो 89 का उठा लिया एक, नहीं 89 छोड़ो ऊपर चलते हैं, 525 का एक उठा लो और एक 899 का उठा लो। ये दो कंटेस्ट को ध्यान में रखो। 525 में ड्रीम 11 1800 देता है, 899 में ड्रीम 11 3000 देता है, ठीक है? अब क्या करना है, तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ ड्रीम 11 के अलावा प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को, ठीक है? तो प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम 11 का और इसका दोनों का जो कंटेस्ट का जो डिफरेंस है ना एंट्री फी का, उसी में मैंने कहानी है, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो चलिए प्राइम कैप्टन के बारे में कुछ आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा उसका एंट्री फी वगैरह दिखा देता हूँ, ठीक है? तो मैंने दो कंटेस्ट याद करके लिए रखने के लिए आपको बोला था, एक 525 का, दूसरा 899 का। यहाँ 525 ना होकर कितना है, 555,
लेकिन आपका यहाँ 3% बोनस यूज होगा। 555 का 3% आप निकालोगे तो आपको अप्रॉक्स 5 या 15 मतलब 17 रुपये के आसपास आएगा, ठीक है। तो 555 में से आप 17 रुपये घटा दो तो आपका 538 या 540 रुपये होगा। लेकिन उसमें आपको दे कितना रहा है यहाँ 2000। ड्रीम इलेवन कितना दे रहा है 1800। कितना का डिफरेंस आया यहाँ पे 200। उसमें से 10 रुपये का डिफरेंस पीछे, 190 रुपये का डिफरेंस आ गया आपको इस लीग में। बोनस आराम से यहाँ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा बोनस ऑफर रहता है प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 190 रुपये का डिफरेंस दिख गया, 500 रुपये के लीग में आपको 190 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। अब दूसरा मैं क्या बताया था, 899। ड्रीम इलेवन कितने पे दे रहा है आपको 899 पे 3000 दे रहा है। ये प्राइम कैप्टन कितने पे दे रहा है आपको 888 पे 3000 दे रहा है। कितना रुपये का डिफरेंस हो गया 11 रुपये, तो यहाँ हो गया। दूसरा यहाँ 10% बोनस भी यूज हो रहा है आपको, 888 का आपको 88 रुपीज़ बोनस भी यूज हो रहा है प्लस 11 रुपये उधर, तो यहाँ लगभग आपको 100 रुपये का डिफरेंस यहाँ पड़ गया, ठीक है। तो हर लीग में आपको 100-200 रुपये यहाँ बचना ही है ऐसे, जो कि एक्स्ट्रा ड्रीम इलेवन आपको ले रहा है। तो इसलिए प्राइम कैप्टन पे खेलो। दूसरा चीज़, जब आप किसी एक ग्रुप को फॉलो करते हो और उसकी टीम अच्छी जा रही होती है, जैसे मेरे ग्रुप का अभी आप जब फॉलो करोगे, टीम देखोगे, खास करके आप जब बेसबॉल फुटबॉल ये सब में आओगे, तो आपका क्लैश चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अलग अलग ऐप पे आप ट्राई करते हो, कुछ लोग ड्रीम इलेवन पर चले जाओ, कुछ लोग प्राइम कैप्टन पर चले जाओ, कुछ लोग और कोई अच्छा एप्लीकेशन लग रहा है माई फैप पे या वहाँ चले जाओ, तो क्लैश थोड़ा कम हो जाएगा। और मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है, प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन पे आप लोग ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया, इस लीग में 190 रुपये का ऐसे ही और इस लीग में 100 रुपये का ऐसे ही डिफरेंस आ रहा है। किसी लीग में पकड़ लेना आपको, 500 रुपये से ऊपर का कोई भी लीग पकड़ लो, 100-200 रुपये का डिफरेंस दिखेगा। और छोटा लीग पकड़ोगे ना 49 का या 89 का, यहाँ भी आपको 10-20 रुपये का डिफरेंस दिख जाएगा। तो इतना एक्स्ट्रा क्यों देना, और लीग आराम से फिल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप का सब कुछ बहुत मस्त हो चुका है, पेटीएम विड्रावल है, इंस्टेंट विड्रावल है, बोनस ऑफर हमेशा रहेगा। तो मैं प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन का और अपने टेलीग्राम चैनल का, दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन करना है, वीडियो का जो टाइटल है उस पर आप टैप करेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्राइम कैप्टन का लिंक दिया हुआ, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और मेरे टेलीग्राम का भी आईडी दिया हुआ है, वो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, या फिर मैं बता देता हूँ आप टेलीग्राम पर आपको कैसे जुड़ना है। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना @NitishForYou, NITISH4YOU, NitishForYou। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा SL Champ लिंक नाम से, तो आपको SL Champ लिंक नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। SL Champ नाम से जब आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे जाके इस ग्रुप को टैप करना लिंक पे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मेन चैनल का, क्योंकि मैं चैनल प्राइवेट मार्क कर रखा है अभी, क्योंकि क्रॉस वगैरह करने होते हैं तो प्राइवेट कर रखा है, यहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक, यहाँ पर सीधे ज्वाइन हो जाना। आप मेरे मेन ग्रुप पे आ जाओगे, जिस पर कि आपको अप्रॉक्स 6000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, 6000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए नहीं रिफ्रेश हो रहा है, 6.3 के है अभी आप, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। कैसे ज्वाइन होना है, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @NitishForYou, NitishForYou जैसे करोगे SL Champ लिंक नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा एक, वहाँ पर मेरे मेन चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। अभी भी देखो प्राइम कैप्टन पे बोनस ऑफर कितना सारा है, और अभी जो मैच हम लोग कवर करेंगे वो भी आपको यहाँ शेड्यूल में दिखा दिया गया है कि ये मैच हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। जिन लोगों को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए लोग जो भी हैं, और कमेंट में सब लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसको अप्लाई करने के बाद भी आइएगा आप लोग बताने के लिए कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं और भी तगड़ा बनाने वाला हूँ, कि इसके आगे का इन्वेस्टमेंट कैसे करें उसके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, धन्यवाद, सब लोग अच्छे से रहिए। और IPL सीज़न आ रहा है, और भी बहुत सारे लीग आएंगे, कोई मस्त सा लीग उठा के मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से थोड़ा इधर उधर रहा हूँ मैं। बट चलिए इन सभी काम के अलावा भी मैं थोड़ा फैंटेसी के लिए भी, आप लोगों के लिए भी समय निकालता हूँ। कोई एक अच्छी सी लीग मैं पकड़ूंगा, खुद ही पूरा मैं ही कवर करूँगा उस लीग को, बता दूंगा कौन सा लीग मैं कवर करने वाला हूँ। बट इन्वेस्टमेंट का जो ये प्लान बताया हूँ, जो तरीका बताया हूँ, इसको आप लोग आज से अप्लाई करना शुरू कर दो। तो चलिए अब वीडियो कहीं रोकते हैं, धन्यवाद।